इश्क ने क्या बचाई। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रे, बचाना क्या है लुटाना क्या, घर बार लुटा देना, आल औलाद लुटा देना, भतीजे भांजे लुटा देना, खानदान लुटा देना, साथी लुटा देना और अपना सर लुटा देना। और बचाना क्या है नाना के दीन को। जब नाना के दीन को बचा लिया और बाकी सब कुछ लुटा दिया तो ये फलसफा शहादत हुसैन। नारे तकबीर, और जब कुर्सी बचा ली, तख्त बचा लिया, उम्मत बचा ली, सल्तनत बचा ली, मलूकियत बचा ली और काबे को ढा दिया, मस्जिद नबवी पे हमला कर दिया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए, सुहाबा को शहीद कर दिया, सुहाबियात की इज्जतों को पामाल कर दिया, जो सामने आया उसको कत्ल कर दिया, चाहे वो नवासा रसूल ही क्यों ना हो, और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाया, तो ये फलसफाए मलूकियत यजीद। हुसैन ने क्या बचाया, हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह भी है बादशाह भी, अस्त हुसैन। क्या बात करते हो, पूरे का पूरा दीन ही हुसैन है, और दीन पना अस्त हुसैन, और दीन को बचाने वाला ही हुसैन। सरदार सर कटा दिया, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर तो कटा दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का हक बात तो ये है कि बिना ला इलाहा हुसैन के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ये बुनियाद है, वही हुसैन है। सुभान अल्लाह, वही हुसैन है। या हुसैन मिन्नी 4 हिजरी को था, और अना मिनल हुसैन करबला का मुस्तफ़ा हुसैन, 4 हिजरी वाला हुसैन, जब 61 हिजरी को जिसका सर नेजे पे आया फिर वो करबला का मुस्तफ़ा, करबला का मुस्तफ़ा, करबला का मुर्तजा था। हुसैन ने बता दिया कि हुसैन तो कट सकता है लेकिन ला इला बुलंद रहे, इल्लल्ला बुलंद रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलंद। तो यही असल में शहादत हुसैन का सबक है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के हर मोड़ पर, हयात के हर लम्हे में हक और सच का बोलबाला किया, हक और सच की बात की, और आखिर तक आखिरी जो आपकी जुबान पे लफ्ज थे, जब सर पे और गर्दन पे खंजर चल रहा था तो जुबान पे जो लफ्ज थे वो अल्लाह की वहदानियत, सुभान रब्बी अल अला, सुभान रब्बी अल अला, सुभान रब्बी अल अला।
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت.